मोदी जहां जाएंगे कोई ना कोई गेम खराब ही करके आएंगे इनकी। इनकी तो लंका डुबो के आनी है, इन्होंने हनुमान जी वाला काम करते हैं, जाते हैं लंका डुबो के आते हैं, चला कर आए थे। अरे भाई क्या जा रहा है, क्या ये चाइना को घेरने की पॉलिसी है? आज की डेट में आपको क्या लगता है, चाइना को दिखता नहीं है क्या, या वर्ल्ड को दिख नहीं रहा है कि इंडिया कैसे राइज कर रहा है? इट इज अ सुपर पावर विच इज। जापान के हिरोशिमा शहर में G7 समिट में शामिल होने के बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी गए हैं और पीएम मोदी का यहां जाना चीन को काफी खटक रहा है। अमेरिकन सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइनीज ट्रेड के ऊपर, चाइना के ऊपर, और उसका फायदा उठा रहा है भारत, और उसका फायदा इस तरीके से उठा रहा है क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हुए जो भारतीय नजाद सीईओज हैं, वो हर अपने जो जो ट्रेड का डायरेक्शन जो है भारत की तरफ कर रहे हैं। G7 की बैठक समाप्त होते ही प्रधानमंत्री मोदी पपुआ गुनिया पहुंच गए हैं, जहां वे 14 देशों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दरअसल पपुआ गुनिया देखने में तो एक छोटा सा देश है, लेकिन सामरिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि चीन यहां पर अपना एक नेवल बेस बनाना चाहता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पहुँचते ही चीन के साथ पपुआ गुनिया ने अपना करार निरस्त कर दिया है। आगे की चर्चा सुनते हैं। अरे भाई क्या जा रहा है, क्या ये चाइना को घेरने की पॉलिसी है? ऊपर से मोदी जी जा रहे हैं, आपको याद होगा रोहित भाई 2014 में मोदी जी गए थे, 2 दिन के बाद मोदी जी के विजिट के शी जिनपिंग पहुंच गए थे वहां पर। बिकॉज उनको लगता था ये मोदी जहां जाएंगे कोई ना कोई गेम खराब ही करके आएंगे इनकी। इनकी तो लंका डुबो के आनी है, इन्होंने हनुमान जी वाला काम करते हैं, जाते हैं लंका डुबो के आते हैं, चलाकर आए थे। इनको 2 दिन के बाद उसी सारे प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करनी पड़ी कि भाई आप इंडिया की बजाय हमारे से पैसे ले लो। इंडियन अगर $1 मिलियन दिया है, ये वहां पर $100 मिलियन देके आए उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए। बिकॉज ये एरिया पैसिफिक का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फ्री मूवमेंट, जो शिप्स की मूवमेंट है और स्ट्रेटेजिक है, और फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू चाइना की बहुत तेज से नजर है इस एरिया के ऊपर। देवर वेटिंग की 2023 का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो अमेरिका के साथ और हम घुसे, और ऊपर से मोदी जी पहुंच गए वहां पर। जो बड़े ने बोला भैया मेरे तो बस की बात नहीं है, तुम ही कर लो, क्योंकि दीज कंट्रीज दे ट्रस्ट, इनका ट्रस्ट चाइना के साथ नहीं है बट इंडिया के साथ ट्रस्ट है। वो अमेरिका को भी इतना ट्रस्ट नहीं करते जितना मोदी जी को करते हैं। और मोदी जी ने यहाँ पे जब मीटिंग कराया था इंडिया में 2015 में, तब से लेके अब तक वो मोदी जी के गुणगान गा रहे हैं। जापान के हिरोशिमा शहर में G7 समिट में शामिल होने के बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी गए हैं और पीएम मोदी का यहां जाना चीन को काफी खटक रहा है। पापुआ न्यू गिनी भी पीएम मोदी की इस यात्रा के लिए अपनी बरसों पुरानी परंपराओं को तोड़ने को तैयार हो गया है, जिसका मतलब साफ है कि पापुआ न्यू गिनी और भारत के बीच में मजबूत संबंध कायम करने की कोशिश करेंगे पीएम मोदी, और इससे चीन को तकलीफ तो। अमेरिकन सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइनीज ट्रेड के ऊपर, चाइना के ऊपर, और उसका फायदा उठा रहा है भारत, और उसका फायदा इस तरीके से उठा रहा है क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हुए जो भारतीय नजाद सीईओज हैं, वो हर अपने जो जो ट्रेड का डायरेक्शन जो है भारत की तरफ कर रहे हैं। भारत मजीद फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, और उसके बाद यह कि भारत मजीद स्ट्रांग होगा डिप्लोमेटिकली, क्योंकि प्रोडक्ट्स वहां से बन के ना सिर्फ अमेरिका में जाएंगे, दूसरी दुनिया में उस रीजन में भी जाएंगे। तो उसमें एक एक कंट्री जो है वो उस तरफ जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे मैं रिसेंट एक आर्टिकल पढ़ रहा था आरजू, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। इस वक्त जो माइक्रोचिप्स बनते हैं कंप्यूटर्स के, उसकी सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ताइवान के अंदर। ताइवान के बिजनेसमैन इस वक्त अपने प्लांट जो है वो भारत ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, वहां जाके साइट्स को देख रहे हैं। इन द केस ऑफ चाइनीज अटैक वो इंडस्ट्री भी भारत में मुंतकिल हो जाएगी। लेकिन मैं दुख के साथ कहूंगा ये जो आज किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत पहले कर लिया जा। इसकी डेट में आपको क्या लगता है, चाइना को दिखता नहीं है क्या, या वर्ल्ड को दिख नहीं रहा है कि इंडिया कैसे राइज कर रहा है? इट इज अ सुपर पावर विच इज ऑफ द फ्यूचर एंड वी आर ऑन दैट वे। हम उस रास्ते पर चल रहे हैं आज की डेट में। मोदी जी उस गाड़ी को उस रास्ते पर डाल दिया है कि वी आर गोइंग टू बी अ सुपर पावर। और उसका मैं कल थोड़े दिन पहले एक शो कर रहा था किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ भी। आई टोल्ड देम वन थिंग, आई सेड मोदी जी ने एक अच्छा काम किया, पाकिस्तान से बात करनी बंद कर दी। और जिस दिन से पाकिस्तान से बात करनी बंद करी है, हमारी इकोनॉमी राइज कर रही है। बिकॉज ये चुनौती है, जिसके साथ बात करते हैं उसकी लंका डूब जाती है।
भाई तुर्की से बात करी वो डूब गए, यूएई से बात करी वो डूब गए, चाइना को बहुत अच्छा फ्रेंड बनाया इसकी इकॉनमी डूब रही है। तो मोदी जी ने बोला मुझे इस पलौती की जरूरत ही नहीं है, और तब से हमारी तरक्की हो तब से तरक्की कर रहे हैं। सही, तभी तो कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के करीब टापू देश पापुआ न्यू गिनी, हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी होंगे, और इधर चीन की छाती पर सांप लौट रहे होंगे। यहाँ पीएम मोदी इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ पीएनजी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे भी होंगे। इस सम्मेलन की शुरुआत साल 2014 में हुई थी, जिसमें भारत के अलावा प्रशांत महासागर के 14 द्विपक्षीय देश फिजी, पापुआ न्यू गिनी, माइक्रोनेशिया, जिसकी हम पहले बात कर, मैं बल्कि यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि टेस्ला भारत में जा रहा है भारत की टर्म्स पर। उसने पहले भी नेगोशिएट करने की कोशिश की थी, उनको इश्यूज थे टैक्सेस के कि टैक्सेस बहुत ज्यादा है, तो वो अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे भारत के अंदर और बैटरियां भी वहीं बनाएंगे। ये एप्पल के बाद दूसरी दूसरी बात है ये, और ये तो एक बड़ी कंपनी है, जो मिड साइज कंपनी है तो कई जा रही है उसकी, जा रही उसकी वजह जो मिशन है वो इंडिया फर्स्ट का है, जो हमें सूट करेगा, जो हमारे हमारे कंट्री के फायदे के लिए होगा, जो हमारे लोगों के फायदे के लिए होगा, वो काम हम सबसे पहले करेंगे। दूसरा काम जो मोदी जी ने किया है कि जहां पर भी ह्यूमन लोगों को जरूरत है किसी भी चीज की, और वहां पर इंडिया अगर कंट्रीब्यूट कर सकता है तो हम सबसे आगे आएंगे। जैसे COVID-19 में इन सारी कंट्रीज की मदद चाइना ने, अमेरिका ने नहीं करी, इंडिया ने करी। सो ये लोग कभी भी हमें भूलेंगे नहीं चीज के लिए, बिकॉज हमारी हमेशा ही सबकी मदद करने की जो हमारी प्रथा रही है उसको मोदी जी और आगे लेके जा रहे हैं। दिस वॉज नॉट देयर जब कांग्रेस के टाइम पर, वो तो अपनी मदद करने में लगे रहते थे कि कैसे हमने माल अंदर करना है, बट मोदी जी ने सबके साथ पूरे दुनिया में जैसे रिलेशनशिप्स क्रिएट करे हैं, स्पेशली विद दिस कंट्रीज, इट इज रिमार्केबल। इवन दो 7 साल मीटिंग नहीं हुई है रोहित भाई, लेकिन इनका दिमाग और दिल आज भी इंडिया के साथ। पपुआ गुनिया हालांकि समुद्र में स्थित एक बहुत छोटा सा टापू है, लेकिन इसका सामरिक महत्व इतना है कि यहाँ पर अगर चीन अपना नेवल बेस बना लिया, समुद्री अड्डा बना लिया, तो फिर भारत क्या पूरी दुनिया के माल के आवाजाही पर नज़र रख सकता है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के बहुत निकट है, और ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ क्वाड में शामिल है। भारत ने क्वाड के देशों के कहने पर, आप लोगों को पता ही होगा कि क्वाड में कुल 4 देश शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत है। इन देशों के कहने पर भारत पपुआ गुनिया पहुंचा, और पपुआ गुनिया में और इसके साथ जो सटे और छोटे छोटे द्वीपों पर स्थित देश हैं, जिसमें फिजी, सुरनाम आदि हैं, इन सब के साथ भारत के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि यहाँ पर भारतीय ही जाकर बहुत लंबे समय से बसे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पहुँचते ही जो पपुआ गुनिया ने चीन के साथ करार किया था, वह करार नेवल बेस देने का कैंसिल करके अब वह भारत के साथ और अमेरिका के साथ मिलकर एक करार करने जा रहा है। दरअसल अमेरिका के साथ उसका करार है जो अगले साल ख़त्म होने जा रहा है, और अगले साल करार के ख़त्म होने के बाद पपुआ गुनिया ने चीन के साथ पैसा लेकर वहाँ पर उसको हवाई अड्डा देने का मन बना लिया था, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने देखा कि बिना भारत के यहाँ पर काम नहीं बनेगा, तो प्रधानमंत्री मोदी को G7 की बैठक के बाद तुरंत वहाँ पर अनुरोध करके भेजा गया, और प्रधानमंत्री मोदी का हालांकि बहुत लंबे समय से इस सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों पर नज़र थी, लेकिन चूंकि क्वाड के देशों का दबाव ज़्यादा बढ़ रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिना देर किए वहाँ पहुँच कर एक ऐसा चीन को झटका दिया है। कहा जा रहा है कि यह चीन के लंका को आग लगाने के जैसा है। हालांकि चीन डाल डाल तो भारत पात पात चल रहा है। श्रीलंका में जब हबन पटोटा में चीन ने बंदरगाह बनाया, तो श्रीलंका का दूसरा बंदरगाह भारत ने लिया। उसी तरह बांग्लादेश में एक बंदरगाह चीन ने बनाया, तो दूसरा भारत ने ले लिया। उसी तरह फिर म्यांमार में भी भारत घुस गया है, जबकि वहाँ पर मिलिट्री शासन है और चीन कि कहे जाने के अनुसार वो मिलिट्री शासन चलता है। उसी तरह पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट ने जब चीन वहाँ पर घुसने की केसेस की और ग्वादर पोर्ट का विकास करने लगा, तो भारत ईरान के चाबहार पोर्ट, जो उस ग्वादर पोर्ट से 50 किलोमीटर दूर पर है, अपना अड्डा बना लिया, और अब की बार फिर पपुआ गुनिया में चीन को जो झटका दिया है, और उसके पहले इजराइल का हाइफा फोर्ट भी भारत ने अपने नाम कर लिया था, जो चीन अपने पास करना चाहता था।
तो जहाँ जहाँ चीन जा रहा है, भारत वहाँ पहुँच कर या तो चीन के बराबर में फोर्ट बना रहा है, मिलिट्री बेस बना रहा है, या फिर चीन का पत्ता ही साफ कर दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।